मुकेश रेगर बने खातोली ग्राम पंचायत के उप सरपंच। खातोली ग्राम पंचायत में उपचुनाव के लिए हुआ था मतदान। पूर्व उप सरपंच स्वर्गीय छगनलाल रेगर के पुत्र मुकेश गुर्जर चुने गए उप सरपंच। स्वर्गीय छगनलाल रेगर की सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत। निकटतम प्रतिद्वंदी देवकरण गुर्जर को 4 मतों से दी शिकस्त। 15 वार्ड पंचों ने उप सरपंच पद के लिए किया था मतदान। उप सरपंच के लिए 3 उम्मीदवारों में से एक ने लिया था नाम वापिस। खातोली सरपंच व जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हरिराम बाना सहित ग्रामीणों व वार्ड पंचों ने उप सरपंच का किया स्वागत अभिनंदन। निर्वाचन अधिकारी ने उप सरपंच मुकेश रेगर को पद व गोपनीयता की दिलाई शपथ। बता दें आज मुकेश रेगर बने खातोली ग्राम पंचायत के उप सरपंच। खातोली ग्राम पंचायत में उपचुनाव के लिए हुआ था मतदान। पूर्व उप सरपंच स्वर्गीय छगनलाल रेगर के पुत्र मुकेश रेगर चुने गए उप सरपंच।